जिले की नवागढ़ पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 354 और पास्को एक्ट का अपराध कायम किया था। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 3 दिन से नाबालिग के साथ छेड़खानी कर रहा था। पिछले दिनों जब वह दुकान में बैठी थी तब सूनेपन का फायदा उठाकर आरोपी ने फिर उसी घटनाक्रम को दोहराया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी राजा कश्यप को ग्राम खैरताल से गिरफ्तार कर लिया है। मामला आया था जिसमें 14 साल के नाबालिग की लड़की के साथ खैरताल के राजा कश्यप पिता तुलाराम कश्यप द्वारा पिछले 3 दिन से छेड़छाड़ किया जा रहा था, जिस पर से रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अपराध का निरूपण किया गया है। और आज दिन आपको पता चला कि आरोपी घूम रहे थे, जिस पर से अभी न्यायिक रिमांड भी भेजा गया है, विवेचना जारी है। 354 का 8 और 12 पासपो का सामना किया गया। चांपा चांचगढ़ जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन होने वाली चोरियों से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ताजा मामला सांसद निवासी कॉलोनी का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने कई घरों के ताले तोड़े। चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों की चोरी कर ली। इतना ही नहीं, सांसद निवास में भी चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अपराध कायम कर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की सक्रियता के बावजूद जांजगीर जिले में चोरों के बुलंद हौसलों पर लगाम लगा पाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। चोर बेखौफ अंदाज में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों की धरपकड़ नहीं कर पा रही है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात चोरों ने सांसद निवास कॉलोनी को अपना निशाना बनाया। चोरों ने एक के बाद एक कई घरों के ताले तोड़े, लेकिन सफलता एक ही मकान में मिली। 50,000 रुपए नगद रकम की चोरी करने के साथ ही चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया। उन्होंने सांसद निवास में भी चोरी करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। पौश इलाके में चोरी की घटना से पुलिस की परेशानियां बढ़ गई हैं। सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। चोरों का सुराग लगाने सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही उनकी पकड़ में होंगे। ये शिवराम कॉलोनी में जो चोरी हुई थी, जो बंद घर थे उनके घरों का ताला टूटा हुआ था, और कुछ लोगों ने तो रिपोर्ट ही नहीं लिखाई, और एक व्यक्ति ने बस आकर रिपोर्ट लिखाई है, जिसके घर में लगभग 1.5 लाख की चोरी हुई है कुल जेवरात की कीमत मिलाकर। तो उसी संबंध में यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा था। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में 4 अज्ञात चोरों को की जो फुटेज है वो प्राप्त हुई है, और ऐसा लग रहा है कि किसी गिरोह का काम है, और संबंध में पतासाजी अभी की जा रही है। देखा जा रहा है कि सिटी कोतवाली के अंदर बहुत ज़्यादा ही चोरी हो रही है। चोरी के मामले बढ़े हैं, और अभी लगातार जो चोरियां हो रही हैं उसमें पुलिस काम कर रही है, और जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी लीड मिल रही है उसके आगे मतलब उस पर ही काम करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, और कोशिश की जाएगी कि ये चोरी पकड़ी जाए। सांसद निवास कॉलोनी के साथ ही कलेक्टर और SP बंगला के नजदीक बने मकानों में भी चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। सीसीटीवी कैमरे की जांच के दौरान कुछ संदिग्ध लोग नजर आए हैं। पुलिस ने आम जनता को भरोसा दिलाया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए जांजगीर से भरत सिंह चौहान। कोरोना वैक्सीन लगवाने लोगों को जागरूक करने भाजपा देश भर में अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अपील पर सभी राज्यों में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर सुविधाओं को जांच पर रख रहे हैं, साथ ही लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग के लिए वैक्सीन लगवाने प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि प्रशांत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धुरकोट और नवागढ़ सेंटर का निरीक्षण कर वैक्सीन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। दुपहिया